धीरज साहू के यहाँ जो नोटों का अंबार मिला है, नोटों का पहाड़ मिला है, अभी तक 300 करोड़ क्रॉस किया है, अभी शायद 500 करोड़ से भी क्रॉस करेगा कैश, उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान का जो पूंजी है या लाभ है, शायद मोहब्बत की पूंजी का जो पूरा लाभ, जितने करोड़ रुपए आज तक, शायद सबसे बड़ा रकम जो धीरज साहू के यहाँ से बरामद हुआ है ना, कि ये पूरा धीरज साहू का नहीं है, ये पूरा कांग्रेस का है, ये पूरे मोहब्बत की दुकान का है, इनके यहाँ रखा गया था। तो उनके बारे में निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, जो नोटों का पहाड़ मिला है धीरज साहू के यहाँ, उनके बारे में ये क्या कहते हैं, सुनिए। निशिकांत दुबे एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और काम करने वाले व्यक्ति, सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रम करने वाले ईमानदार व्यक्ति, सुनिए ये क्या कहते हैं। आप लोग 10 साल से शासन कर रहे हैं, नेहरू की बात क्यों करते हैं? कांग्रेसियों को यही सबसे बड़ी समस्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही समस्या है। लेकिन आज ही आप देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद है, वरिष्ठ सांसद है, तीसरी बार के सांसद, सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था, 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी है। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है, उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है, ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, माननीय मोदी जी पाई पाई का हिसाब लेंगे और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। तो यह ईडी की एंट्री जरूर होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स की बचत की बात नहीं है, यहाँ पूरा घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी का, और बाहर से हवाला ऑपरेटर, बहुत कुछ होगा, तो ईडी की एंट्री भी होगी। लेकिन यह धीरज साहू का पैसा नहीं है, यह कांग्रेस का पैसा है, यह पूरे मोहब्बत की दुकान का पैसा है, यही कह रहे हैं और यही सच है, क्योंकि कांग्रेस है जहां, घोटाला है वहां। तो थैंक्स निशिकांत दुबे जी फॉर योर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन। आप करप्शन के खिलाफ जिस तरह से लड़ रहे हैं और मोदी जी जिस तरह से लड़ रहे हैं, हर भारतीय को आप पर गर्व है और हम चाहते हैं कि हर सदस्य, हर पार्लियामेंट का सदस्य इसी तरह ईमानदार भी रहे, इस तरह से कठिन परिश्रम करे, कर्मठ रहे और जनता की सेवा करे ईमानदारी के साथ। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।